किसके बराबर आता है? क्यू वी क्रॉस बी के बराबर आता है फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्यू वी बी किसके बराबर आता है? एम वी स्क्वायर बाय आर, ये गया। आर किसके बराबर आ गया था? एम वी बाय क्यू बी। फिर टाइम पीरियड था, बिल्कुल करवा रहा हूं, रुक जाओ। टाइम पीरियड किसके बराबर है? क्या लिख दिया? तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया? फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई? ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई? अल्फा क्या चीज है? स्पेसिफिक चार्ज। पिछले लेक्चर में यहां तक करवा दिया था, हाँ है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? अरे भाई है हेलिकल, हेलिकल करवाऊंगा करवाऊंगा, रुक जा भाई, सब करवाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है? ठीक है, यहां तक करवा दिया था, यहां तक समझ में आ गया था। आज इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है? इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करो ये पार्टिकल कितनी देर, इसको तो लिख ही लो, और बाद में ये भी बताओ कि ये पार्टिकल कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में रहा है। हेडिंग वही है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। टाइम पीरियड बताओ कितना होगा? देखो मैं बताता हूं,
पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम पीरियड लगता? हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आ गई? एक चीज बताओ, ये क्या चीज है? ओमेगा है। वैसे ओमेगा क्या बता रहा है? यूनिट एंगल कितनी देर में चल रहा है? यूनिट एंगल कितनी देर में चल रहा है ये बता रहा है? तो थीटा एंगल कितनी देर में चलेगा? ऐसे करोगे? हाँ है ना? थीटा की वैल्यू क्या है? समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? सिंपल बात है एकदम। या सिंपल कर लो, 2 पाई अगर टी टाइम में चल रहा है तो यूनिट एंगल कितनी देर में चल रहा है? 2 पाई बाई टी, तो थीटा एंगल कितनी देर में चल रहा है? ये लो, अरे अरे कुछ भी होगा, तो मेरी बात समझ के जो मैं कह रहा हूं, यूनिटरी मेथड लगा दो। अब तो ठीक है, तो समझ में आ गया ना? टाइम पीरियड टी टाइम में 2 पाई, तो यूनिट एंगल कितनी देर में चलेगा? टी बाई 2 पाई, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा जो भी आना है। सिंपल है, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा होता है, तो टी किसके बराबर आ जाएगा? थीटा बाई ओमेगा, खत्म बात। क्योंकि ओमेगा की यूनिट क्या होती है? थीटा पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड गए तो थीटा के बराबर आ गया ना। क्या बात समझ में आ गई? अब एक चीज और समझो, कई बार हमें वी नॉट वेलोसिटी नहीं दी हुई होती, वी नॉट वेलोसिटी नहीं दी हुई होती। जब वी नॉट वेलोसिटी नहीं दी हुई होती तो क्या होता है? हमें दिया होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और कहते हैं इस क्यू चार्ज को इसके थ्रू एक्सेलरेट करवाया और फिर बी मैग्नेटिक फील्ड में पहुंची है चार्ज। इसको कैसे सॉल्व करना होता है? यहां निकलेगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। हाँ है ना? बात समझ में आई है? नहीं, ये क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई, तो रेडियस किसके बराबर आएगा? वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे? अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। हाँ है ना? तो कई बार ये चीज दी हुई होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चीज लिख लो।
यहां तक समझ में आ गया? मोक्ष डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है क्यू चार्ज को फेंका, तो यहां पे निकलने पे क्या वेलोसिटी होगी निकाल सकता है, वेलोसिटी आ गई रेडियस एम वी बाई क्यू भी, वी क्या वेलोसिटी पुट करते इसके अंदर आ गया। अब सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन है शेयर कर रहा हूं तुम्हें सॉल्व करना ही है। D2 को सॉल्व करूं, इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चार्ज दोनों पे सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से थ्रू एक्सेलरेट करवाया तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी। तो रेडियस R1 किसके बराबर है, एम वी बाई क्यू बी। देखो काइनेटिक एनर्जी को मैं ये ले सकता हूं, ऊपर क्या चीज है इसमें मोमेंटम है, क्यू तो दोनों का ही सेम है तो R इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ही हुआ ना, आया ना। अरे रुको भाई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाई टू एम, तो पी स्क्वायर पी किसके बराबर आएगा, टू एम काइनेटिक एनर्जी और उसका क्या आएगा अंडर रूट। कई बात समझ में, पक्का रेडियस को क्या लिखूंगा, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्यू सेम है, बी सेम है, आर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम, तो मासेस का रेशियो क्या होगा, इसका रेडियस आर वन, आपको निकालना है एक्स बाय वाई, दैट इज मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ वाई। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा आंसर, संशय बोलो क्या डाउट है।
हाँ मिस्टर संचरे, सर मेरा डाउट था कि मेरे डाउट था कि जो पहला वाला जो फॉर्मूला है आर वन इज इक्वल टू एम पी बाई क्यू और मैग्नेटिक फील्ड पी जो मल्टीप्लाई है, सर अगर हम सीधा आर वन इज टू आर टू का वहां से रेशियो क्यों नहीं लिए? कहाँ से लें सर? मतलब जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव किया था आर वन का जो फॉर्मूला है एम वन बाय क्यू पी, एक बार बता दोनों की वेलोसिटी सेम है क्या? हाँ भाई, हाँ ठीक है सर, समझ गया। हाँ तो बस, तो भाई दो ही वेरिएबल को कंपेयर करेगा ना, तीन वेरिएबल चेंज हुए तो इक्वेशन में कैसे सॉल्व करेगा? अब समझ में आ गई बात? यस सर, थैंक यू। ये वाला क्वेश्चन देखना, एफ एट एफ एट एफ एट बताओ। एक तो किया ही हो हमने, है ना? देखो इसके लिए मैं सीधा ही सॉल्व करके बता रहा हूं तुम्हें। इधर देखो, एफ एट बार क्वेश्चन पढ़ लो। सुनो, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी, अगर ये वाली जो लेंथ है ये रेडियस से ज्यादा है तो ये चीज यूं जाएगी, यूं घूम के और फिर यूं घूम के वापिस ऐसे बाहर ऐसे निकल जाएगी। क्या बात समझ में आई? ये नहीं, अगर रेडियस आर जो है ये डिस्टेंस डी है मान लो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आर इज लेस देन डी यू वी तब तो सीधी बाहर ही निकल जाएगी 180 डिग्री पे। क्या बात समझ में आ गई? अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन D है तो ये यहां पे आने के बाद में बाहर निकल जाएगी इधर मैग्नेटिक फील्ड से। अब तुम समझ गए कि क्या बात है? तो डेविएशन आ ही जाएगा एक में, क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, बाकी दो के अंदर तुम निकाल ही लोगे क्या जो भी आएगा। डी की वैल्यू पुट कर देना इस वाले फॉर्मूले में, एल की जगह डी पुट कर दो और डी की वैल्यू क्या क्या दे रखी है एम वी अपॉन रूट टू क्यू बी वो पुट कर लो, आया ना? जिसमें इसकी रियल वैल्यू नहीं है इसका मतलब घूम के वापिस चला गया। क्या बात समझ में आ गई? विकास ऑब्वियस ही बात है, ये जो रेडियस और ये डी दे रखा है, डी यहाँ पे ये दे रखा है, एक बार डी की वैल्यू है एक बार डी की वैल्यू है एक बार डी की वैल्यू है, ये पूछ रहा है कि डेविएशन कितना कितना आया। अभी भी नहीं ये बात समझे क्या करूंगा? तो तेरा यही वाला फॉर्मूला है, अगर मान ली सर्कल की जो रेडियस है वो d से कम आ रही है, मान लीजिए डिस्टेंस 20 मीटर की और रेडियस आपका 8 मीटर आ रहा है, ये तो 8 मीटर के अंदर ही घूम के वापस चली जाएगी ना, आगे यहां पे कैसे निकलेगी बाहर? और ये मान ली 20 और रेडियस 30 है तो ये बाहर जाके फिर यू बाहर निकल जाएगी इधर, फिर तो डेविएशन आएगा इसमें।
अब समझ में आ गई बात। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन है एक हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक क्या ले, दैट इज एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक क्या ले, बताओ कौन सा पार्टिकल ले। एक ड्यूट्रॉन ले लेते हैं, ड्यूट्रॉन मास टू चार्ज प्लस वन, प्रोटॉन मास प्लस वन मास वन, आया ना इधर, वैसे मास नंबर लिखते तो वन लिख बुझिए, सेम ही बात है। तीन पार्टिकल है, एक है प्रोटॉन, एक है अल्फा पार्टिकल जिसको हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, एक है ड्यूट्रॉन। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सबको सेम वेलोसिटी से फेंका, फाइंड इसकी रेडियस आर वन होगी, इसकी आर टू होगी, इसकी आर थ्री होगी, मैग्नेटिक फील्ड है सेम, सबको सेम वेलोसिटी से फेंका, व्हाट इज आर वन इज टू आर टू इज टू आर थ्री, इनका रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। आ गया तो सॉल्व करो यार, मास पता नहीं तुम्हें, प्रोटॉन का मास वन यूनिट मान लो, हीलियम का चार यूनिट, ड्यूट्रॉन का दो, आर का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी, वी सबका सेम है, बी सबका सेम है, सेम ही फील्ड में फेंका है, तो जो एम बाई क्यू का रेशियो होगा वही रेशियो होगा रेडियस का, तो क्या होगा, प्रोटॉन का मास और चार्ज का रेशियो क्या, मास वन यूनिट है तो चार्ज भी क्या वन है, इज टू, मास कितना है फोर, चार्ज कितना है टू, मास कितना है टू, चार्ज क्या है वन, तो रेशियो क्या आ गया वन इज टू टू इज टू टू आ गया, किस किस का सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राघव, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये कब था, ऑल आर थ्रोन विथ सेम वेलोसिटी, फोर्थ है, ऑल आर थ्रोन विथ सेम मोमेंटम, ऑल आर थ्रोन विथ सेम मोमेंटम, दैट इज आर वन इज टू आर टू इज टू आर थ्री। अब सॉल्व करो, हेलो
इस बार क्या है, मोमेंटम सेम है, आर क्या होता है एम वी बाई क्यू बी, इस बार सबका एम वी सेम है तो बी भी सेम है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। नीचे क्या आएगा, वन चार्ज वन अपॉन चार्ज टू, वन अपॉन चार्ज वन, तो रेशियो क्या आ गया, टू इज टू वन इज टू टू। हाँ यार, ऑल आर थ्रोन विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, बताओ अब करो सॉल्व। फॉर्मल देखो, काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, तो मोमेंटम किसके बराबर आ गया, यहां से समझ में आ गया पक्का। रेडियस किसके बराबर हो गया, रेडियस किसके बराबर हो गया, मोमेंटम की जगह क्या लिखोगे, अपॉन क्यूबी। काइनेटिक एनर्जी सेम है, बी सेम है, रेशियो क्या आएगा, रूट एम बाई क्यू क्यों आएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, रूट एम, ये देखो वन का रूट करोगे सेम ही आएगा, मास वन है इसका, मास वन है, और नीचे उसका रूट करोगे वन ही आएगा, डिवाइडेड बाय क्यू वन, ऊपर क्या है मास का अंडर रूट, मास क्या है इसका फोर का अंडर रूट टू आएगा, चार्ज भी टू है, ड्यूट्रॉन मास क्या है टू, उसका अंडर रूट कर दोगे, और नीचे चार्ज क्या है वन, तो रेशियो क्या आ गया, वन इज टू वन इज टू रूट टू आ गया। बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का आगे बात तो करो, अभी एंजॉय है, ऐसे ही क्वेश्चन कर लेना इसके इसके रिलेटेड है ना, अब कल अगली क्लास में मैं ऑब्लिक के अंदर फेंकूंगा वो करवा दूंगा,
ठीक है, उसके बाद में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में फिकवा दूंगा कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद में शुरू कर देंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, कर दूंगा मैं सेंड। ठीक है बच्चों, ओके बाय।